मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसाना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। समंदर लौट कर वापस आ गया है और इस बार वापसी करने वाली लहरों की आवाज इतनी तेज है कि उसकी गूंज महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सुनाई दे रही है। असली सारथी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी है, महाराष्ट्र की पूरी प्रजा बाहुबली के सामने। हमारे देवा भाव जो है देवेंद्र फडणवीस जी, वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश। महाराष्ट्र की जमीन पर मिली इस ऐतिहासिक जीत के नायक के तौर पर हर तरफ बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, मुख्यमंत्री हमारे देवा भाव ही बनने चाहिए। ये महाराष्ट्र की समस्त जनता और हम युवाओं की मांग है, मुख्यमंत्री हो तो देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद ये सवाल जरूर है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं फडणवीस कि सीएम के नाम पर फैसला तीनों पार्टियां मिल बैठकर करेंगी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जनता ने देवेंद्र भाव के नाम पर मुहर लगा दी है। तस्वीरें फडणवीस के घर के बाहर से आई हैं, जहां होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं, जलोश मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये जीत की घोषणा करते चकरगिन्नी और अनार है, जिनसे फूटती रोशनी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुकून दे रही है। बीजेपी दफ्तर में देवेंद्र फडणवीस खुद ही जलेबी छानते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर सबसे बड़ी जलेबी जो है वो बनाई है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। फडणवीस के साथ 52 कुले हैं और दोनों मिलकर जलेबी बनाने और काटने का जो काम है वो साथ मिलकर कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. Thank you.